मैं जम करूंगा। अभी थोड़ी देर माँ की क्लास चल रही है, अभी जब मैं उठूंगा तब मैं गेम करूंगा, ठीक है? क्या योगा क्लास हो गई? अब खरबूजे खाते हैं। और क्या? कल मैंने बहुत वैक्सीनेशन ढूंढा रात को, लोगों ने कहा था कि 11-12 बजे देखो तो मिलते हैं। 45+ में तो बहुत मिल रहे थे, पर 18-44 में एक को नहीं मिला। कैसे हो? क्या करना है अभी आपको? जियो रे बाहुबली देखना है। कैसे गाते गाते बताओ? जियो रे बाहुबली। सब खत्म हो गया तो इतना लेट में सो क्यों रहे हो? अभी तो आई। अच्छा आप तैयार हो गए? क्या खेल रहे हो? पैसों से? पैसों से क्यों खेल रहे हो? तो आदमी कभी अपनी फुल मस्ती में लगे हुए हैं। और खाना बन चुका है, खाना बन गया है। ये है आलू, शिमला मिर्च की सूखी सब्जी और साथ में कुछ बनेगा दाल या चावल। चाय बची हुई है बची हुई चाय का आनंद ही अलग है। वैसे ज़्यादा चाय को खोला खोला के पीना नहीं चाहिए, सेहत के लिए, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। पर एक कप तो यार चल सकता है। सिर्फ आधी कप चाय हुई, काफी है। चलो चला गया। कब आएगा? हम करते हैं, चलो करते हैं हम लोग पीलू का। फिर हाथों को ऊपर ले जाओ ऐसे, फिर ऐसे नीचे आओ। तुम्हारे लिए भी मैट बिछा देते हैं। मैट बिछा देते हैं। कौन सी मैट बिछाओगे? बॉबी लेंगे कि पंखे के नीचे? वेरी गुड। अब ऐसे करो, ऐसे करो, ए ए, और फिर ऐसे करो, ए ए, ऐसे करो, फिर टोस पे आओ, टोस पे आओ ऊपर, और फिर नीचे। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और दूसरे पैर से, अब दूसरे पैर से। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम जंप क्यों करने लगे? चलो योगा करते भाई। तो अगर आप शीर्षासन करते हैं तो शीर्षासन करने के लिए हमेशा आप जो है अपने हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, मैट पर आगे लगाएं, मैट पे अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके रखें। अभी अपनी हथेलियों पर अपने सर को रखना है। इधर मैट पे करो, इधर मैट पे, मैट पे करो, मैट पे ऐसे। यहाँ पे जमीन पे ये हाथ ये गड़ेगा ना तो फिंगर्स पे चोट लगेगी। इधर करो, हाँ मैट पे ऊपर। चलो फिंगर्स को इंटरलॉक कर रहे हो ऐसे, और फिर ऐसे अपने सर को लगाओ नीचे, माथे को नीचे, सर को अपनी हथेलियों पर, और फिर अपने पैरों पर सीधे खड़े हो जाओ। आगे आगे आओ धीरे धीरे, और फिर अपने पैर को उठाओ ऊपर,
एक पैर नीचे, फिर दूसरा पैर ऊपर, पूरा स्ट्रेच, धीरे धीरे बैलेंस बनाएंगे अपनी गर्दन पर, फिर नीचे, फिर अपना दूसरा पैर ऊपर, धीरे धीरे हम अपनी गर्दन पर पूरा वेट डालेंगे ताकि हमारा जो गर्दन है उस पे मजबूती आए। तो आपकी गर्दन स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी का वेट वो उठा सके। यस मैम, ऐसे करो। कैसे? ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं। ऐसे करना है? ओके मैम। ऐसे बैठो स्टूडेंट। ऐसे बैठने से क्या होगा? पैर स्ट्रांग होंगे। ओके मैम, थैंक यू। आप मैम हैं या सर हैं? मैम है। क्या नाम है आपका मैम? अंजू मैम। ओके अंजू मैम। तो जब भी आप शीर्षासन की प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश करें कि आप दीवार के आसपास करें, दरवाजे के आसपास करें, आपको एक सपोर्ट मिलेगा शुरुआत में, ताकि आप जब अगर गिरते हैं तो आप चोट को कम से कम अपने शरीर पर ले सकें। चलिए तो आराम से आ जाएंगे, क्योंकि जब हमारे पास दीवार है तो हमारे पास एक डर कम होता है। हाथों को आगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है इस तरीके से, लगाएंगे नीचे अपने सर को और फिर धीरे धीरे ऊपर, अपने आप को बैलेंस बनाए, धीरे से ऊपर आएंगे। पैरों को ऊपर ले जाएं आराम से और फिर नीचे वापस। एक बार जब हम शीर्षासन करने लगते हैं दीवार के पास खड़े हो करके और अपने आप को बैलेंस करने शुरू कर देते हैं, हमारे पैर दीवार से ना टच हो करके सीधे खड़े रह जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर बैलेंस आने लगता है और हम अच्छे से शीर्षासन कर लेते हैं। शीर्षासन करने के बाद आप हमेशा सीधे लेट जाएं शवासन में, सबसे अच्छा है, क्योंकि जब हम शीर्षासन की प्रैक्टिस करते हैं तो हम इन्वर्टेड पोज में होते हैं, इन्वर्टेड आसन करते हैं। इन्वर्टेड आसन में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे सर की तरफ जाना शुरू कर देता है, तो इसलिए आप जब भी शीर्षासन की प्रैक्टिस कर लें उसके बाद आप बिल्कुल आराम से सीधे लेट जाएं मैट पर और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर उठें। तो आप लोग शीर्षासन की प्रैक्टिस करते रहें। शीर्षासन एक बहुत ही अच्छा आसन है, सभी आसनों का राजा है एक तरीके से। तो अगर आप शीर्षासन कर लेते हैं, और बहुत ही आसान है, आप 4-5 दिन हफ्ते भर के अगर आप प्रैक्टिस करते हैं जिस तरीके से मैंने बताया, शीर्षासन में बहुत ही आराम से आप जाना शुरू कर देंगे और कभी भी कहीं पर भी आप अपना बैलेंस बना सकते हैं। और ये बैलेंस सिर्फ आसन में ही नहीं होता, ये जो बैलेंस है ये हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में आ जाता है। तो इसलिए शीर्षासन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, आप सब लोग उसको प्रैक्टिस करें। आम 100 रुपए किलो है पर टेस्ट पूरे पैसे वसूल। बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या बोला तुमने? बिल्कुल अच्छा। एकदम फ्रूटी जैसा है। आम तो बिल्कुल फ्रूटी जैसा है, एकदम फ्रूटी।